हजरत साहब, क्या हाफिज साहब नमाज तरावीह में कुरान सुनाने के पैसे ले सकते हैं? अगर नहीं तो इसकी क्या वजह है, जबकि तकरीबन हर मस्जिद में ही हाफिज साहब के लिए रकम इकट्ठा की जाती है और खिदमत की जाती है। इसके हवाले से जवाब इरशाद फरमाइए। हाफिज साहब का उजरत पर पढ़ना हराम, कमेटी वालों का पढ़ाना हराम, और जानबूझकर इसी काम के लिए चंदा देना यह भी हराम। सवाब नहीं मिलेगा, गुना मिलेगा, झटका बड़ा लगा होगा। तो ये भी करता है, वो मौलाना भी करता है, ये मौलाना भी करता है। तो जिसका कलमा पढ़ा है उसकी बात पर अमल करो। किस मौलाना का पढ़ा है? कौन सी मस्जिद के पेश इमाम का आपने कलमा पढ़ा है? अच्छा, मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इनके मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नायबीन ने, उलमाए मुत्तकीन ने, उलमाए कामिलीन ने तो हमें समझाया, फिर उसको अमल करें। तो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने बेशक नाइबे रसूल थे, बहुत बड़े आलिम मुफ्ती फतावा रज़विया शरीफ में इन्होंने फतवे दिए इसके कि वो कुरान करीम पढ़ने की उजरत लेना देना हराम, मीलाद पढ़ने की उजरत देना लेना हराम, ये सब फतवे दिए। और इसको वो एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया है, नात ख्वा और नजराना, इसमें इसके हवाले मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, पढ़ लीजिए। तो तरावी की भी उजरत के बारे में फैदान रमजान, फैदान सुन्नत जिल अव्वल में भी इसके अहकाम दिए हुए हैं। तो ये झटका ना खाएं कि कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की तरावी, कुरान करीम पढ़ने की तिलावत, न के वो तालीम, तालीम की उजरत जायज है। तो बहरहाल ये के तरावी की उजरत भी हराम है, क्योंकि तरावी में कुरान सुनाना ये शर्त तो नहीं है ना। अगर कुरान नहीं सुनाएंगे तो ठीक है, अलम तरह पढ़ लेंगे। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलता, सही कुरान पढ़ने वाला और फी सबीलिल्लाह पढ़ाने वाला, ठीक है, निजाम इस्लाम का बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम नाक रखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बेहतरीन कारी लाना और इस तरह करना ये, और फिर वो तू जा मैं आता हूँ, भागम भाग, छह दिन में खत्म कर दिया तो पांच दिन में खत्म कर दिया, अरे भाई फुला तो कंप्यूटर है, तीन दिन में खत्म कर दी तरावी। रस्म तरावी इसके सिवा कुछ समझ में आता है? तो ये कुरान थोड़ी है, खुदा जाने क्या है। तो तरावी में तो कुरान खत्म करना ये सुन्नत मौकद है, जहाँ खत्म होता है पढ़ाने वाला सुनने वाला मिलता है तो वहाँ इस सूरत है कि सुन्नत मौकद है, तो कुरान पढ़े। अब हुरूफ चबा गया तो ऐसा तो पढ़ना हराम है। पूरा कुरान सही पढ़ा, एक हर्फ चबा गया तब भी सुन्नत तो रह गई ना। 27 दिन में पूरा कुरान नहीं हुआ ना, यहाँ तो एक हर्फ की बात क्या है, धबा धप। हाँ वाकई अगर कोई ऐसा सही पढ़ने वाला मिलता है और तीन दिन में सारी रात आप सब मिलके लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और वो सही पढ़ता है, इसके तजवीद के जो कम अज कम वो कवायद जिनका लिहाज जरूरी है, जो वाजिब है, तो ठीक है तीन दिन में पढ़े आप। तो अब उजरत के ताल्लुक से, उजरत चाहे खुशी से दे चाहे बेखुशी, हराम ही है। चाहे तय करके दे चाहे तय ना करे, खुश करेंगे हम तुमको। या अंडर स्टूडेंट के हर साल मिलता ही है पैसा, और हाफिज साहब को पता है कि देंगे, कमेटी को पता है कि देना है, कि नहीं देंगे तो आइंदा आएगा नहीं। तो ये अंडर स्टूडेंट, इसको दलालतन उजरत कहते हैं, तो ये दलालतन साबित है, तो ये भी हराम है। और तय कर लेना सराहतन के इतने देंगे, ये भी हराम है, दोनों ही सूरतें हराम है। जवाज की, इसके जायज होने की भी सूरत है। जायज होने की सूरत यह है कि अपने तरावी की उजरत तय ना करें। जैसे कारी साहब है कि मंच पर कुरान करीम पढ़ना है और पैसे भी लेने, तो ये भी वक्त की उजरत तय कर सकते हैं। नाथख्वान भी वक्त की उजरत तय कर सकते हैं, आधा घंटा एक घंटा जो भी है तय कर सकते हैं। इसी तरह तरावी वाले हाफिज साहब तय कर सकते हैं। तो कमेटी और हाफिज साहब दोनों में ये तय हो जाए, या नाथख्वान को बुलाने वाले या कारी साहब को बुलाने वाले जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, इनमें तय हो जाए कि फुलान तारीख को कारी साहब आपका आधा घंटा चाहिए हमको, इतने बजे से इतने बजे तक, क्या लोग हैं, ये हम आपकी इतनी खिदमत करेंगे। आप मसलन हफ्ते को 10 रात के 9:30 से 10 बजे का टाइम हमको आधा घंटा दे दीजिए, हम आपकी खिदमत में 500 रुपए पेश करेंगे। आपने हाँ बोल दिया तो अब वो 9:30 से 10 बजे का वक्त इन्होंने आपसे हायर कर लिया, किराए पर ले लिया, उजरत पर ले लिया। अब वो आधे घंटे में जब आपकी तरकीब बनेगी या आप वो पहले अब तय हो गया, बोले कि भाई इस आधे घंटे में हम आपसे तिलावत करवा लेंगे, ये तय करने से पहले ना कहें, तय करने के दौरान भी ना कहें, तय करने के बाद कहें, ठीक है ना, कि आप आ जाना
और तिलावत कर देना आधे घंटे के दरमियान, भले आप हमको 12 मिनट कुरान सुना देना या आधा घंटा कुरान सुना देना। अब आधे घंटे के बजाय कारी साहब 2 घंटे सुना दे तो जायज है, कोई हर्ज नहीं। या कारी साहब 9 बजे से पहुंच गए और पढ़ना शुरू कर दिया, मगर 9:30 और 10 के दरमियान ना उजरत दी हुई है, 9 से 9:30 के दरमियान ये उजरत के हकदार नहीं है। तो ये इन्हें क्या उजरत नात खान भी इस तरह तय कर सकता है, टाइम वक्त की उजरत। इस तरह हाफिज साहब से तरकीब बन जाए कमेटी की, रमजान शरीफ की चांद रात से लेकर 27वीं रात तक हम आपको इशा की नमाज यानी कि रोजाना 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रोजाना 3 घंटे हमको आपके चाहिए, क्या लेंगे ये अपनी तरफ से ऑफर कर दें कि हम आपको 12,000 रुपए पेश करेंगे अगर आप 27 दिन तक 3 घंटे हमको रोजाना रात को देने के लिए तैयार हो। तो अब जो तय हो जाए तो ये अब हाफिज साहब को बोल देंगे, ठीक है तय होने के बाद बोल देंगे आप कुरान सुना देना, तरावी पढ़ा देना, हमको इशा पढ़ा देना साथ में, जो भी मतलब अब उसको 3 घंटे में आप इनकी ताकत के मुताबिक इनकी हैसियत के मुताबिक आप काम ले लें तो ये जायज हो जाएगा। अब कमेटी भी गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि इसने वक्त बेचा है ना, अपना कुरान करीम पढ़ना नहीं बेचा। सवाब मिलेगा, कमेटी को भी सवाब मिलेगा, हाफिज साहब को सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर इजाजत हो तो एक अवामी वसवसा अर्ज करूं। लबैक मौलाना, आप लोग यार अजीब लोग हो, अभी मना किया कि यूं नहीं, अब ये आप जो तरीका बता रहे हो तो ये जो बोल रहे हो कि पहले तुम तय कर लो टाइम का, ने बाद में उसको बताओ कि तुम नमाज पढ़ा देना, तो क्या उसको पहले से पता नहीं था कि उसे नमाज पढ़ानी है, उसे कुरान पढ़ाना है? तो पहले से पता था, आप पहले तय करते हो टाइम का ना, उसके बाद बोलते हो नमाज पढ़ा दो, तो पहले से अगर बोलते हो नमाज पढ़ानी है तो तुम बोलते हो गलत है, ने पहले से तुम टाइम सेट कर लो ना फिर बोलोगे नमाज पढ़ानी तो सही है। यार क्या यार आप लोग मसला लेकर आते हो। तो अब ऐसे भी मतलब दिमाग के लोग होते हैं कि जो हमारे ये शरई मसाइल बताने पर इस तरह की गुफ्तगू करके जो कुछ ये करते हैं आपके भी इस इल्म में है, कुछ इनको भी मदनी फूल देना होगा कि ये, क्योंकि अगर कारी साहब को आपने समझा दिया, मुझे नात खान भी मिले ना, इन्होंने भी मुझे ये बात की थी यार बाबा ने हमको तो समझा दिया, अब हम जाके किसी को समझाने बैठते ना, बोलते यार ये क्या बात हुई। अब ये कारी साहब बेचारे हमारे हाफिज साहब ये इस तरह के कमेटी वालों को समझाने बैठेंगे तो कमेटी वाले बोलेंगे कारी साहब हाफिज साहब ये कौन सा मसला नया लेकर आ गए हो। तो आप अवाम को इस तरह के तबके को थोड़ा बताए ना कि ये ऐसा करे कि हमारे ये मोअज़्ज़ज़ जो तबका है इसको बेचारे को यूँ करना ना पड़े ना, ये भी एक आम इतना आसान नहीं है जो आप फरमा रहे हो कि यार मैं यूँ करूँगा, ये है मुश्किल काम। मगर अगर ये हमारी कमेटी और अवाम समझ ले और हमारे ये मुअज्जस जो तबका है कारी हजरात का हुफाज का, इनके लिए कोई यही तरकीब ना बना ले यार, वरना बेचारे समझाना मुश्किल हो जाएगा सबका। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। जो उलमाए किराम फरमाए इसको मान लेना वो सआदतमंद होता है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उलमाए किराम ने फरमाया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बारगाह रिसालत में जब सदका पेश किया जाता आप कबूल ना फरमाते और किसी नादार सहाबी की तरफ रेफर कर देते, जब उस नादार सहाबी को जो हकदार होते उनको सदका मिल जाता, अब वही सदका जो उस सहाबी ने कबूल किया उसी में से अगर वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पेश कर देता तो सरकार उसको कबूल फरमा लेते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जिनका कलमा पड़ा है उनसे ऐसा करना साबित, अब है आपके पास कोई जवाब? तो इस तरह मतलब ये कि सदका नरा हीला, तो हीला कुरान हदीस से साबित है। मैं तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा करूंगा कि जब कोई आलिम आपको शरई मसला बताए और आपकी अक्ल में ना आए तो खुदा के वास्ते जबान को काबू में रखा करें, ऐसा ना हो कहीं ईमान खतरे में पड़ जाए। अब मस्जिद उलमा तो तहकीक कर लिया करे, एकदम से वो उस मसले का इनकार करना या उस वो मसला बताने वाले के खिलाफ उल फुल बक देना ये बहुत बड़ी जुर्रत है और परले दर्जे की जहालत है, ऐसा ना किया करे। जिंदगी में कभी ऐसा किया तो उसे तौबा कर। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।